ये कहानी है एंथनी की। एंथनी का स्कूल में एक डीलन नाम का बेस्ट फ्रेंड बनता है। धीरे धीरे डीलन एंथनी के घर भी आने लगता है और फिर एक दिन एंथनी को पता चलता है कि डीलन का उसके माँ के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद एंथनी क्या करेगा, ये हमें आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत में हमें मार्क नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो जॉगिंग कर रहा होता है और तभी उसके सामने से एक और आदमी आता है और वो मार्क को चाकू मारकर उसका मर्डर कर देता है और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में मार्क की वाइफ सैरन को दिखाया जाता है और वो अपने हस्बैंड के मरने से काफी दुखी होती है। सैरन अभी काफी बुरी हालत से गुजर रही है और उसके पिछले कल के अफेयर के बारे में भी सबको पता चल गया है और इसी वजह से उसके रियल इस्टेट के बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहे हैं। जिसके बाद सैरन सोकर उठती है और फिर जाकर वो अपने बेटे एंथनी को उठाती है क्योंकि आज उसका स्कूल था। एंथनी स्कूल जाने के लिए आज एक्साइटेड नहीं होता, जिसे देखकर सैरन उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें स्कूल में कोई बुली करता है। लेकिन इस बात पर एंथनी इनकार कर देता है, जिसके बाद वो तैयार होकर स्कूल चला जाता है। इसके बाद सैरन से मिलने डिटेक्टिव बार्नेस आते हैं। बार्नेस एक डिटेक्टिव है और अभी वो सैरन के हस्बैंड मार्क के मर्डर केस पर काम कर रहा है और इसी केस का अपडेट देने के लिए वो सैरन से मिलने आया था। दरअसल बार्नेस और सैरन बचपन के ही दोस्त हैं और बार्नेस बचपन से ही सैरन को पसंद करता है, लेकिन अभी तक सैरन ने उसे एक बार भी मौका नहीं दिया। इधर स्कूल में ब्रेंट नाम का एक लड़का एंथनी को स्कूल में बुली करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डीलन नाम का एक और लड़का आता है तो ब्रेंट उसे देखकर वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर एक मैगन नाम की लड़की आती है। एंथनी मैगन को बहुत पसंद करता था लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर उससे बात कर सके और इसीलिए जब डीलन ये सब देखता है तो वो एंथनी और मैगन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। जिसके बाद डीलन एंथनी को ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के लिए ले जाता है। ब्रेंट भी वहीं पर होता है। फिर ब्रेंट एंथनी को चोट पहुंचाने के लिए रूल ब्रेक करता है तो कोच उसे रेस्ट्रिकेट कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड में भी डीलन एंथनी का बहुत हेल्प करता है। और फिर जब दोनों ड्रेसिंग रूम में होते हैं तब एंथनी डीलन से पूछता है कि आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, जिस पर डीलन कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने डैड को हाल ही में खोया है और मेरे डैड ने भी 2 साल पहले सुसाइड कर लिया था। मैं ये दर्द समझ सकता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। इसके बाद एंथनी जब अपना लॉकर खोलता है तब उसके कपड़े वहाँ पर नहीं होते और फिर वो जाकर टॉयलेट में चेक करता है तो देखता है कि किसी ने उसके कपड़े को टॉयलेट में डाल दिया है। दरअसल ये काम भी उस बुली करने वाले लड़के ब्रेंट का था। जिसके बाद एंथनी डीलन को लेकर घर जाता है। यहाँ पर वो अपनी मोम को बताता है कि आज उसने पार्टी रखी है। ये सुनकर सैरन भी खुश हो जाती है क्योंकि एंथनी भी अब सोशलाइज कर रहा है। और फिर उस रात एंथनी के घर में पार्टी होता है और डीलन बाथरूम खोजने के लिए घर के अंदर जाता है। यहाँ वो गलती से सैरन के रूम में घुस जाता है और यहाँ पर वो सैरन की फैमिली की फोटो को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सैरन आती है और फिर ये एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यहाँ डीलन अपने डैड के मरने के बारे में सैरन को बताता है और फिर सैरन भी उसे सिंपैथी देती है। और फिर कुछ दिन बाद डीलन सैरन की एक प्रॉपर्टी देखने आता है। दरअसल सैरन एक रियल इस्टेट का बिजनेस करती है और ये घर भी उसी का है, लेकिन अब वो इस घर में नहीं रहना चाहती क्योंकि इस घर में उसे मार्क की बहुत याद आती है। डीलन उससे कहता है कि मेरे अंकल इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं और फिर वो पूरे घर को देखने लगता है। इसके कुछ दिन बाद फुटबॉल प्रैक्टिस में एंथनी ब्रेंट से भी अच्छा खेल रहा होता है। एंथनी को अच्छा खेलता देख ब्रेंट को गुस्सा आता है और फिर वो एंथनी के कपड़े टॉयलेट में डालने के लिए एंथनी के लॉकर के पास जाता है, लेकिन इस बार लॉकर पर ताला लगा होता है। इसके बाद डीलन वहाँ पर आता है और ब्रेंट को एंथनी के लॉकर के पास देखकर वो उसे धमकी देता है कि आइंदा से वो एंथनी को बुली और परेशान ना करे। इधर घर में सैरन को अपने पहले वाले अफेयर के आदमी से मेल आता है। उसे पहले भी ऐसे मेल आ चुके हैं लेकिन इसके बारे में उसने अभी भी डिटेक्टिव बार्नेस को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने अफेयर के बारे में बार्नेस से डिस्कस करे क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा एक्वर्ड था। जिसके बाद सैरन अपने मेल्स के बारे में अपनी सेक्रेटरी कैटी को बताती है। तब कैटी भी उसे सलाह देती है कि उसे इसके बारे में बार्नेस से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी सैरन बहाना मारती है और वो बार्नेस को कुछ नहीं बताती। फिर स्कूल में एंथनी डीलन को मोटिवेट करता है और वो उसे मेगन को डेट पर ले जाने के लिए पूछने को कहता है। फिर एंथनी मेगन को डेट के लिए पूछता है और वो मान जाती है और उसी रात एंथनी डीलन की कार लेकर डेट पर जाता है और इसीलिए डीलन एंथनी के घर पर ही रुकता है। घर पर डीलन और सैरन अकेले थे। फिर दोनों अपने लाइफ में हुए दुख को डिस्कस करने लगते हैं। यहाँ डीलन सैरन को मार्क के बुक के पेजेस को फाड़ने को कहता है। सैरन को ऐसा करते हुए काफी रिलीफ फील होता है। दूसरी तरफ एंथनी का डेट काफी अच्छा चल रहा होता है और कार में दोनों किस भी करते हैं। और फिर घर में जब सैरन नहा रही होती है तब डीलन बाथरूम में आता है और वो अपने कपड़े उतार कर उसे ज्वाइन करता है।
सैरन उसे ऐसा करते देखने लगती है पर वो उसे मना नहीं कर पाती और यहीं से इनका अफेयर चालू हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद एंथनी डेट से घर वापस आता है और फिर डीलन अपने घर चला जाता है, जिसके बाद हमें डीलन का घर दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। यानी कि जिस तरह से डीलन अपनी लाइफ स्टाइल दूसरों को दिखा रहा था वो सब फेक था। फिर हमें पता चलता है कि जो मेल सैरन को मिल रही थी वो मेल कोई और नहीं बल्कि डीलन ही उसे भेज रहा था। यानी कि अभी तक जो भी कुछ हो रहा है वो कोई इंतफाक नहीं है और डीलन किसी मकसद से एंथनी का दोस्त बना है। कुछ दिन बाद स्कूल में ब्रेंट एंथनी की गर्लफ्रेंड मेगन से कहता है कि डीलन में कुछ तो गड़बड़ है और वो हम लोगों से कुछ छुपा रहा है, लेकिन मेगन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। तो ब्रेंट उससे कहता है कि तुम चाहो तो ऑफिस में जाकर डीलन की फाइल देख सकती हो। दरअसल मेगन की माँ ऑफिस में काम करती है, इसीलिए एक वही थी जो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकती थी। और फिर थोड़ी देर बाद ब्रेंट डीलन से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में सब पता चल गया है और मैं ये सब सबको बता दूंगा। ये सुनकर डीलन को टेंशन होने लगती है कि सचमुच ब्रेंट को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया, और इसीलिए वो एक प्लान बनाता है और एंथनी से मिलकर उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलनी होगी। एंथनी के पास कोई और चारा नहीं होता तो वो राजी हो जाता है। इसके बाद डीलन अपने हाथ को एक चाकू से काटता है और वो सबको जाकर बोलता है कि ये ब्रेंट ने उसके साथ किया है, क्योंकि ये एक सीरियस मामला था। तो डिटेक्टिव पार्नस भी स्कूल आते हैं और वो सैरन को सब बात बताते हैं और सैरन भी स्कूल आ जाती है। बार्नेस के पूछने पर डीलन कहता है कि ब्रेंट ने मुझे चाकू से मारा है और उसी चाकू से ब्रेंट एंथनी को भी डराया करता था। जब बार्नेस एंथनी से पूछता है कि क्या ये सच है तो एंथनी भी कहता है कि हाँ ये सच है। अब सारे सबूत ब्रेंट के खिलाफ हैं तो इसीलिए ब्रेंट को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर सैरन एंथनी को लेकर घर आती है और उससे कहती है कि तुमने मुझसे कभी क्यों नहीं बताया कि स्कूल में तुम्हें कोई बुली करता है, और इस बात पर दोनों झगड़ने लगते हैं। दरअसल सैरन ने जब मार्क की किताबों को फाड़ा था तो एंथनी ने उसे देख लिया था और ये बात उसे अच्छी नहीं लगी और उसे लगने लगा कि सैरन कभी भी मार्क से प्यार नहीं करती थी। इसके बाद सैरन को पता चलता है कि एंथनी को भी उसके पिछले अफेयर के बारे में पता है और इसके बारे में उसे उसके डैड ने ही बताया था। और फिर एंथनी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद सैरन को डीलन का मैसेज आता है और वो फिर से उस प्रॉपर्टी को देखना चाहता था। फिर सैरन उस घर में जाती है तो डीलन भी वहीं पर होता है और फिर यहाँ पर ये दोनों क्लोज आते हैं और किस करने लगते हैं। और जब वो दोनों किस कर रहे होते हैं तो तब कोई उन दोनों की वीडियो क्लिप बना लेता है। और फिर अगले दिन मेगन स्कूल में एंथनी से मिलती है और उसे वो किस वाली वीडियो दिखाती है, यानी कि पिछली रात मेगन ने ही उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। दरअसल मेगन को डीलन की सच्चाई पता चल गई थी और जब उसने इसके बारे में डीलन को बताया तब डीलन ने मेगन को मिलने के लिए उसी जगह बुलाया था जहां वो सैरन को किस कर रहा था, और फिर मेगन ने उसकी वीडियो बना ली। और फिर मेगन एंथनी से कहती है कि डीलन हम सबसे झूठ बोल रहा है, यहां तक कि उसका एक्चुअल नाम भी डीलन नहीं है और उसने 3 साल पहले ही अपने स्कूल की पढ़ाई को कम्प्लीट भी कर लिया है और उसने जानबूझकर मुझे उस जगह पर बुलाया ताकि मैं उसकी और सैरन की किस करती हुई वीडियो बना सकूं। ये सब जानकर एंथनी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि ये मेरी मॉम का सेकंड अफेयर है। इसके बाद मेगन उससे ब्रेंट के चाकू से मारने वाली एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। एंथनी ने उस दिन झूठ बोला था इसलिए वो बिना बताए वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद डीलन मेगन से मिलता है और फिर वो उसके फोन को छीन लेता है और वो उस वीडियो को अपने फोन में ले लेता है। और जब मेगन वहाँ से जा रही होती है तब डीलन भी उसके पीछे भागता है। थोड़ी देर बाद सैरन को पता चलता है कि किसी ने उसकी और डीलन की किस करने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है और ये देख वो टेंशन में आ जाती है। और तभी वहाँ डिटेक्टिव बार्नेस आता है और वो सैरन से कहता है कि मुझे अब मार्क के मर्डर केस से निकाल दिया गया है क्योंकि केस आगे बढ़ ही नहीं रही थी। और फिर सैरन उसे अपने उस वीडियो के बारे में बताती है और फिर वो उसे उन मेल्स के बारे में भी बताती है जो उसे मिला करते थे। सैरन ने बार्नेस को पहले ये बात नहीं बताई, इसकी वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एंथनी को मेगन का मैसेज आता है और वो उसे डीलन के घर में बुलाती है। एंथनी को डीलन के घर में कोई नहीं मिलता, लेकिन तभी डीलन पीछे से उस पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डीलन ने ही मेगन के फोन से एंथनी को मैसेज किया था। फिर डीलन मेगन बनकर सैरन को मैसेज करता है कि आज एंथनी मेरे घर में ही रुकेगा। इसके बाद रात को सैरन को अपने पिछले अफेयर से मैसेज आता है जो सैरन को अपने घर बुलाता है।
जाने से पहले सैरन डिटेक्टिव बार्नेस को भी इन्फॉर्म कर देती है। दरअसल सैरन को ये मेल भी डीलन ही भेज रहा था। इसके बाद सैरन उस घर के अंदर जाती है और वो वहाँ पर डीलन को देखती है। यहाँ डीलन उसे सारी सच्चाई बताता है। दरअसल सैरन का पहले जिसके साथ अफेयर था वो कोई और नहीं बल्कि डीलन का ही फादर था, और जब इस अफेयर के बारे में सबको पता चल गया तो डीलन के फादर ने सुसाइड कर लिया, और डीलन इसका दोषी सैरन को ही मानता है और इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। इसी के साथ डीलन उसे ये भी कहता है कि उसी ने उसके हस्बैंड मार्क का मर्डर किया था, और फिर वो सैरन को भी एक चाकू देता है और उसे भी सुसाइड करने को कहता है। वो उसे धमकी देता है कि एंथनी मेरे पास है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। पर सैरन उसकी बात नहीं सुनती और वो चाकू वो डीलन के पैर में मारती है और वहाँ से भागने लगती है, और सही समय पर बार्नेस भी वहाँ पर आ जाता है और फिर वो बार्नेस को भी सब सच्चाई बताती है, जिसके बाद बार्नेस अंदर जाकर डीलन को ढूंढता है लेकिन डीलन वहाँ से जा चुका था। इसके बाद सैरन अपने बेटे को बचाने के लिए बार्नेस के साथ डीलन के घर पर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब एंथनी को होश आता है तब वो देखता है कि एक जंगल के अंदर पेड़ से बंधा हुआ है और मैगन भी उसके साथ बंधी हुई है, और फिर दोनों एक दूसरे की मदद से खुद को रस्सी से छुड़ाने लगते हैं। इसी दौरान सैरन और बार्नेस भी डीलन के घर पहुंचते हैं और फिर वो लोग एंथनी को ढूंढने के लिए उसके घर के सामने वाले जंगल में जाते हैं, लेकिन बार्नेस पीछे छूट जाता है और तभी डीलन चाकू से उस पर अटैक कर देता है। घायल होने के कारण बार्नेस वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद डीलन बार्नेस का गन लेता है और फिर डीलन सैरन के पास जाता है और उस पर गन तान देता है। तभी वहाँ पर एंथनी आता है और वो डीलन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डीलन पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद सैरन फिर से गन उठा लेती है और गन से मार मार कर डीलन को बेहोश कर देती है। और जब वो डीलन को जान से मारने वाली होती है तभी एंथनी उसे रोकता है। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां सैरन डिटेक्टिव बार्नेस को चांस देने का सोचती है और वो डेट करना शुरू करते हैं, और दूसरी ओर सैरन और एंथनी के बीच के रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं और सब खुश रहने लगते हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गाइज अब वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।